चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और उनके दौरे की तैयारियां आखिरी चरण में है। 3400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री इन दोनों ही स्थानों पर, दोनों ही तीर्थ स्थलों पर, चाहे वो केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो। 3400 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला कल प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान रखेंगे। सुबह सबसे पहले वो शुरुआत करेंगे केदारनाथ से, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे, रोपवे जो परियोजना है उसकी आधारशिला रखेंगे, उसके बाद बद्रीनाथ जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करने के बाद वो माणा गांव भी जाएंगे और कुल मिलाकर दोनों ही स्थानों पर 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला कल प्रधानमंत्री रखेंगे। तो कल 21 अक्टूबर को उत्तराखंड में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके दौरे की तैयारियां आखिरी चरण में हैं और हमारे सहयोगी इन दोनों ही स्थानों पर मौजूद हैं। विनोद केदारनाथ से इस वक्त हमारे साथ हैं और इसके अलावा ये देखिए, आप उससे पहले आपको बताएं 8:30 बजे सुबह केदारनाथ में दर्शन पूजन, 9 बजे आरोपी आधारशिला परियोजना की आधारशिला रखेंगे, 9:15 बजे आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री और 9:25 पर आस्था पथ के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे केदारनाथ में, 11:30 बजे बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और फिर वहां पर 12 बजे रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही स्थानों से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, विनोद और इसके अलावा पंकज राणा। तो सबसे पहले हम केदारनाथ ही चलेंगे, विनोद के पास चलेंगे। केदारनाथ सबसे पहले कल प्रधानमंत्री पहुंचेंगे विनोद, तो जाहिर सी बात है वहां पर तैयारियां बहुत जोरों शोरों से होती है, आप देख रहे होंगे क्या है, कितनी देर का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, क्या मुख्य बातें हैं दर्शकों को बताएं। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए कल करीब 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम पहुंचेंगे और सबसे पहले हम आपको केदारनाथ धाम के दर्शन और तमाम तस्वीरें आपको और अपने जो एबीपी गंगा के दर्शक हैं उनको दिखाना चाहेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये जो विहंगम दृश्य आप देख पा रहे हैं, मनमोहक दृश्य बाबा केदार के द्वार का है और आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे कपाट बंद होने की तारीख नज़दीक है वैसे वैसे श्रद्धालुओं का तांता लगता जा रहा है, क्योंकि 5 दिन के बाद में बाबा केदार के द्वार कपाट बंद हो जाएंगे, उससे ठीक पहले तमाम श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की अगर बात करें तो कल केदारनाथ में पीएम मोदी पहुँचेंगे और इसके अलावा 8:30 बजे बाबा केदार की दर्शन और पूजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण राजेंद्र बात यह है कि जितने भी देश ही नहीं बल्कि विश्व से केदार धाम में श्रद्धालु आते हैं तो एक सौगात उनके लिए भी प्रधानमंत्री कल देंगे, यानी जो सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का 13 से 15 किलोमीटर का ऐसा पैदल मार्ग है वहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट की को हरी झंडी मिलने के बाद में कल रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा अगर दूसरी और हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि इस तरफ की ये तस्वीरें आदि गुरु शंकराचार्य की है और ये पूर्व में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम आए थे तो तब इस आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया था, तो आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति पर भी वो जाएंगे, दर्शन करेंगे और इसके अलावा सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण है। और ये तमाम जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं ये तमाम पुनर्निर्माण कार्य है केदार घाटी के हैं, जहाँ आप देख पा रहे हैं कि बड़ी जो सीमेंटेड दीवार है, यानी जब 2013 में मलबा आया था राजेंद्र तो इसी पीछे से ये मलबा आया था और आप देख पा रहे हैं कि बड़े पर्वतों के बीच में ये केदार घाटी में बाबा केदार का द्वार है जी। और ये तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं तो प्रधानमंत्री तमाम ये इन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका वो निरीक्षण करेंगे और उसके बाद में बद्रीनाथ धाम के लिए वो रवाना होंगे और बद्रीनाथ धाम में जाकर पूजन अर्चना का कार्यक्रम है, उसके बाद चलते हैं सैनिकों के साथ में दिवाली। प्रधानमंत्री ने देखी तस्वीरें वहां की, आपने दिखाया कि कैसे पुनर्निर्माण का कार्य वहाँ पर चल रहा है और जो विकास का कार्य चल रहा है उसकी तस्वीरें भी आप दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब बद्रीनाथ चलेंगे जहाँ पर केदारनाथ के बाद प्रधानमंत्री पहुँचेंगे और सुबह 11:30 बजे पहुँचने का वक्त बताया जा रहा है। पंकज राणा वहीं पर मौजूद हैं, वो और विस्तार से हमें बताने वाले हैं कि वो क्या देख रहे हैं वहाँ पर, क्या तैयारियाँ आप देख रहे हैं पंकज।
रजन, बिल्कुल तैयारी पूरी कर दी गई है, प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है और अभी रिहर्सल चल रही है। पूरे जो बद्रीनाथ धाम का जो प्रांगण है उसको खाली करा दिया गया है और अभी जो दर्शन का काम था वो रोक दिया गया है। सभी जो यात्री हैं वो अभी लाइन में लगे हुए हैं, मीडिया को भी अलाउड नहीं किया गया क्योंकि उनके विशेष सचिव और तमाम जो SPG के कमांडो हैं वो पूरी तरह से मंदिर परिसर में छानबीन कर रहे हैं, तमाम सिक्योरिटी पर्पज से तमाम चीज़ों को देख परख रहे हैं। वहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थाएँ चाकचौबंद की जा रही हैं क्योंकि अब बहुत वक्त नहीं है तैयारियों के लिए। एक विशेष प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, उसी प्रोटोकॉल के तहत सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। पिछले आधे घंटे से जो दर्शन है वो बंद कर दिए गए हैं बाबा बद्रीनाथ धाम के, और उसके साथ साथ ही जो अंदर का प्रांगण है उसको साफ सफाई की जा रही है। वहाँ पे जो तमाम चीज़ें रखी हुई हैं उनको पूरी तरह से जांचा और परखा जा रहा है। ये अभी बद्रीनाथ धाम के अंदर की तैयारियाँ चल रही हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्योंकि माणा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है, तो जो सिक्योरिटी पर्पज से माणा क्षेत्र का एरिया है वहाँ पर भी जो SPG के कमांडो हैं और तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो वहाँ सर फ्लीट के जरिए अपना जो रिहर्सल है वो पूरी तरह से कर रहे हैं। एक बजे तक ये रिहर्सल चलनी है, एक बजे तक पूरा मोमेंट बद्रीनाथ धाम में बंद कर दिया गया है। और अभी देखिए तमाम जो लोग हैं वो अभी यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, और यहाँ सिक्योरिटी पर्पज से भी आप देखेंगे तो तमाम जो अलग अलग जगह है वो पुलिस फोर्स के जवान खड़े कर दिए गए हैं, और ताकि वो जो मोमेंट लोगों का है वो बंद कर दिया गया। ठीक सामने जहाँ पे आप ये देख रहे हैं जो मलबा पड़ा हुआ है, जहाँ पर ये मकान को तोड़ा गया, उसके ठीक ऊपर SPG के कमांडो वहाँ पर मौजूद है। और वहीं पर जिस गाड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए सड़क मार्ग से आएंगे, यहाँ तक आएंगे हेलीपैड से, वहीं पर उनकी वो गाड़ी खड़ी हुई है। SPG के कमांडो ने सड़क जो पैदल मार्ग है, लगभग ये 500 मीटर का मार्ग होगा जहाँ से पैदल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आएंगे। और देखिए ये एक विशेष बात यह है कि जहाँ पर अभी ये आप तस्वीरें देख रहे हैं दर्शक ABP गंगा पर एक्सक्लूसिव, ये जो मकान टूटे हुए हैं यहाँ मास्टर प्लान के तहत काम करना है, ये भी इसका भी वो अवलोकन करेंगे, यहाँ इन तस्वीरों को देखेंगे, परखेंगे कि किस तरह से मास्टर प्लान का काम किया जा रहा है। इसके अलावा आप पूरी तरह से, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसी सिक्योरिटी पर्पज से माणा का जो एरिया है, जो सड़क मार्ग है, उस वहाँ पर भी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। एक बजे तक पूरी तरह से सिक्योरिटी पर्पज से रिहर्सल चलेगी, पूरी तरह से ये सब चीज़ें बंद कर दी गई हैं, उसके बाद यहाँ पर फिर से आवाजाही शुरू होगी। और इस साइड में आप देखेंगे जहाँ टीन सेट का ये लगा पूरा पंडाल लगा हुआ है, टीन सेट के अंदर तमाम जो लोग हैं दर्शनार्थी जो लोग हैं जो दूर दूर से आए हैं वो लोग यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि मोमेंट नहीं होने दिया जा रहा है। SPG की जो स्पेशल कमांडो होते हैं, जो टीम होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर, वो यहाँ पूरे प्रांगण में आ गई हैं, और अभी किसी की भी एंट्री इधर उधर नहीं करने जा रही। मीडिया के लोग भी वहाँ मौजूद थे, उनको भी नीचे भेज दिया गया। तो राजेंद्र जी, ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष लगाव उत्तराखंड से रहा है, विशेष आस्था रही है, आस्था के लिहाज से तो उनका ये दौरा काफी विशेष जो है उनका लगाव रहा है, और वो समय समय पर आते रहते हैं। हर वर्ष तकरीबन हमने देखा है कि लगभग वो उत्तराखंड आए हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, और बद्रीनाथ धाम वो दूसरी बार आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद। और जैसा कि आप दिखा रहे हैं कि वहाँ पर जो मास्टर प्लान के तहत जो चीज़ें बनाई जानी हैं उसको वो खुद देखेंगे और समझेंगे। एक बार फिर से केदारनाथ चलते हैं और विनोद से जानते हैं कि केदारनाथ में आस्था पथ जो है वो क्या है, अगर आप दिखा सकें विनोद, जिसका अवलोकन और निरीक्षण प्रधानमंत्री को करना है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए मैं तैयारी आपको दिखाता हूँ। हालांकि अभी केदार घाटी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ की हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जितने भी तमाम पैदल मार्ग बने हुए हैं ये तमाम पुनर्निर्माण कार्यों के हैं। आप दूसरी तरफ अगर आप देख पा रहे हैं कि आस्था पथ है और तमाम छोटे पुलों का निर्माण यहाँ पर हुआ है, घाटों का यहाँ पर निर्माण हुआ है, क्योंकि सरस्वती और मंदाकिनी नदी के किनारे आसपास जो छोटे घाट बनाए हुए हैं जहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं या जो बाबा के जो पुजारी होते हैं जो यहाँ पर रहते हैं वो स्नान कर सकते हैं। और ये तमाम तस्वीरें राजेंद्र, ये केदार घाटी में जो दोबारा संवारने का कार्य किया जा रहा है, ये पुनर्निर्माण कार्य है। और मैं कैमरा पर्सन निशांत से कहूँगा कि जो मौसम इस वक्त केदार घाटी का है वो हमारे दर्शकों को एक बार ये दिखाइए। और आप देख पा रहे हैं, जो सीधे तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि मेरू सुमेरु पर्वत ये सामने हैं और उसके बीच उसके नीचे केदार घाटी का बाबा का द्वार यहाँ पर ये बसा हुआ है। मौसम बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही ठंडा है क्योंकि अभी बर्फबारी आप देख पा रहे हैं कि बर्फबारी अभी हो रही है।
अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई, लेकिन अभी बर्फबारी बढ़ती जा रही है। और उस लिहाज से कल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात करें तो ये तमाम पुनर्निर्माण के कार्य हों उनका वो निरीक्षण करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, एक बड़ी सौगात देश के नहीं बल्कि विश्व तक के श्रद्धालुओं को देने जा रहे हैं, क्योंकि जब ये रोपवे प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा, करीब 1,000 करोड़ की लागत से ये रोपवे प्रोजेक्ट बनेगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि श्रद्धालुओं को दिक्कतें बड़ी होती हैं, जब पैदल आते हैं तो दिक्कतें काफ़ी होती है उस, और अगर बात करें तो हवाई सेवा का लुत्फ उठाकर श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करते हैं, पैदल मार्ग से आते हैं, लेकिन कुछ सालों में बाबा केदार का स्वरूप देखने को अलग मिलेगा। यानी जो जब रोपवे प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा तो बाबा के तमाम भक्त वो रोपवे प्रोजेक्ट के तहत रोपवे से उड़ान भरकर वो बाबा के दर्शन कर पाएंगे। और दूसरी तरफ की ये तस्वीरें इसी परिसर की है, और जैसे जैसे अब वक्त बीतता जा रहा है और तमाम ये जितने कार्य होते रहे हैं, तमाम मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते रहे हैं, और जिसकी जिम्मेदारी राज्य में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पुनर्निर्माण कार्यों की जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं सुखबीर सिंह संधु, उनकी निगरानी में यहाँ पर देखी जाती है। और मुख्य सचिव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम पुनर्निर्माण कार्यों की समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहे हैं। कल शिलान्यास प्रधानमंत्री यहाँ पर जो रोपवे प्रोजेक्ट का है वो करेंगे, और उसके बाद में तमाम निरीक्षण यहाँ पर प्रधानमंत्री करेंगे। और जितने भी केदारनाथ के हक हकूकधारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उन्होंने भी समय मांगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का, तो करीब 10 मिनट का समय उनसे भी प्रधानमंत्री मिलेंगे। वो अपनी बात अपनी प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष रखेंगे। आखिरकार तीर्थ पुरोहितों ने मांगा है केदारनाथ धाम के प्रधानमंत्री से मिलने का, और 10 मिनट का समय उनको दिया गया है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों ने तस्वीरें दिखाई, मौसम का ताजा हाल भी आपने दिखाया। आप देखना होगा कि कल क्या स्थिति रहती है मौसम की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।